हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूजा किचन में। आज हम बनाने जा रहे दही आलू की सब्जी, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से उबालकर छील लिए हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने से पहले हम इसके ऊपर नमक, मिर्च और हल्दी अच्छे से मिला लेंगे। चम्मच हल्दी डाली है, फिर हम एक छोटी चम्मच मिर्च डालेंगे और नमक हम थोड़ा सा डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। चम्मच करीबन तेल लेंगे, जिसमें हम आलू को शैलो फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे गैस को भी मीडियम फ्लेम पे रखना है, ताकि आलू जले नहीं, और आलू को आपको अच्छे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो हमने इसमें हमारे सारे आलू डाल दिए। देख सकते हैं हमारे जो आलू एकदम बढ़िया ब्राउन कलर के शैलो फ्राई हो चुके हैं। पके हुए तेल में हम 2 पिंच हींग डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़े से काली मिर्च। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च। आप इसमें काश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सादी मिर्च ली है। 1 छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और आप लेंगे इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। तो इसको आपको अच्छे से सौंत लेना है। सारे मसाले डाले तो अब अच्छे से मिक्स हो गए। अभी हम उसमें कांदे डालेंगे बारीक कटे हुए और उसको भी हम अच्छे से सौंत लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमें कांदे को अच्छे से पका लेना है। ऑनियन को जो हमने बारीक चॉप करके लिया है पहले से, इसको अच्छे से पका लेने के बाद इसमें हम दही डालेंगे। इसको आप कांदा डालने के बाद आप क्लियर करते रहिए, हाथ रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेट रहेंगे तो जल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे ऑनियन कांदे जो एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। उसमें भी हम डालेंगे 1/2 कप दही। दही डालने के बाद आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यूस उसको हिलाते रहना है, नहीं तो दही फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दही डालने के बाद आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे मसाले को, और जैसे ही इसमें से आपका तेल दही से अलग होने लगे, ग्रेवी से अलग होने लगे, अब आप इसमें आलू डाल दीजिएगा। तेल अपने आप छूटने शुरू हो गई, एक साइड जमा हो रही है, तो हमारी दही और ग्रेवी जो पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें हमने जो फ्राई शैलो फ्राई किए हुए थे आलू हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, पका लेंगे, ताकि आलू के साथ पूरी ग्रेवी मिक्स हो जाए और आलू को अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। आपका गैस आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। जी हाँ, अभी ये ग्रेवी आलू पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी लेंगे, और जाड़ी ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा कम पानी। तो मैंने यहाँ कप पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी, और आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी को मिक्स होने के बाद तकरीबन 5 मिनट मीडियम आँच पर आप इसको पकाने के लिए रखेंगे, और 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो आपके दही वाले आलू तैयार हो जाएंगे।
कर लेते हैं हमारे दही आलू पक के रेडी हुए या नहीं। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। ये इसमें मैं एक चीज़ आखिर में ये ऐड कर रहा हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसकी कलर में बहुत ही बढ़िया लाल कलर दिख कर आएगी। मैं एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करता हूँ और इसके साथ मैं चॉप किया हुआ फ्रेशली हरा कटा हुआ धनिया ऐड करता हूँ। धनिया, इसके बाद इसके टेस्ट में एक अलग सी लजज आ जाती है। और हमारे दही आलू बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं और बढ़िया खुशबू आ रही है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।